शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं शुक्रगुजार हूं मध्य भारत के साबिका होम मिनिस्टर और आजकल के मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज श्री नरसिंह राव दीक्षित जी का, और शुक्रगुजार हूं नगरा कनेरा धुर्रा और पोरसा के गांव वालों का जहां कदम कदम पर डाकुओं का खतरा है, और शुक्रगुजार हूं मध्य प्रदेश के पुलिस अफसरों और जवानों का जिनकी बहादुरी एक मिसाल बनकर रह गई है। ये तस्वीर उन तमाम जगहों की, उन सब की मोहब्बतों की और उनकी अनमोल कुर्बानियों की यादगार है जो कदम कदम पर खतरा मोल लेकर मौत की छांव में बनाई गई है। वतन आजाद है, अब कोई गुलशन न उठे, अब वतन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है, रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है, रूह गंगा तुलसी का बन आजाद है, आज गौतम की जमी तुलसी का बन आजाद है, अब कोई गुलशन न उठे, अब वतन आजाद है। ओ
शंख बाजे मस्जिदों में हो का धर्म शैख का धर्म आज दिने भर हम आजाद है शैख का धर्म आज दिने भर हम आजाद है अब कोई गुलशन न उजड़े अब वतन आजाद है झूठ कैसी भी हो अब इस देश में रहने न पाए आज सबके वास्ते आज सबके वास्ते धरती का धन आजाद है आज सबके वास्ते धरती का धन आजाद है अब कोई गुलशन न उजड़े अब वतन आजाद है अब कोई कोई गोलियां कहां हैं तुम्हारे आदमी को जवाब दे चुका हूं हां या नहीं नहीं क्या जिंदगी प्यारी नहीं जिंदगी से ज्यादा मुझे गांव प्यारा है मैं अपने गांव से कतई नहीं कर सकता और ठाकुर जरनैल सिंह का हुक्म मेरा धर्म नहीं खरीद सकता अब क्या जवाब है मर्द की जबान नहीं बदला करती ये तुम क्या कर रहे हो भगवान के लिए नहीं छोड़ दो छोड़ दो इन्हें चुप्पा पीस से हट जाओ तुम इनकी बात क्यों नहीं मान लेते सोचो तो तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा मोहन का क्या होगा गद्दार बनकर जीने से इज्जत की मौत अच्छी है मैं देश के दुश्मनों के लिए गोलियां नहीं लाऊंगा हरगिज़ नहीं लाऊंगा मैं अपने सुहाग की भीख मांग रही हूँ इन्हें छोड़ दो इन्हें ठगुराइन होकर पापी से अपने सुहाग की भीख मांगती हो मर जाने दो मुझे एक बात याद रखना और मोहन से भी कह देना कि ये सर देश के दुश्मनों के सामने कभी न झुके
मैं वचन देती हूँ, वचन देती हूँ। रघु कुलोरीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सरकार को कसूरवार ठहराने से पहले ये मानना पड़ेगा कि कसूर हमारा भी है। सरकार गांव में इतनी जल्दी पुलिस चौकियां नहीं बना सकती, हमको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। उस जमाने में क्या होता था जब ये सरकार नहीं थी, डाकू भी थे और गांव वाले भी। एक मनुष्य की आन सारे गांव की आन समझी जाती थी, बाप की खातिर सारा गांव कदमता था। भगवान की सौगंध, आज से इस गांव में एक खून नहीं होने देंगे। परवरदिगार की कसम, गांव के एक बच्चे पर सारा गांव शहीद हो जाएगा। हम चंपा बहन के पति के खून का बदला जरूर लेंगे। हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। हम अगर ये बात सच है तो सब लोग इस धरती की मिट्टी उठाकर चूमें और वफादार रहने की सौगंध खाएं, क्योंकि हम इसी धरती से पैदा हुए हैं और इसी पवित्र धरती में मिल जाना है। चंपा बेटी, हम कदम उठाते हैं, हम कदम उठाते हैं। भगवान, याद रखना, हमारी कसम की लाज तेरे हाथ है। भाई वाह कृपाल, क्या निशाना है तुम्हारा? यार, गांव की छोकरियों के मटके खूब फोड़े हैं तूने। अरे यही तो एक चीज ठाकुर से सीखी है, कहे तो उड़ती हुई चिड़िया के पर नोच दूं। तो हो जाए शर्त इसी बात पर? हो गई एक एक बोतल की मंजूर है। गोली किसने चलाई? ठाकुर, कृपाल ने। क्यों? गुलाब सिंह ने जान के शर्त लगाई थी ठाकुर। फूल सिंह, दुला सिंह, ये सब घोड़े उस पार लाओ, हम पैदल जाएंगे।
समझ में नहीं आता, जिनको मैंने अपने खून के कतरे बहा बहा कर जिंदा रखा, वो मुझसे गद्दारी किस तरह कर सकते हैं, मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं। पुलिस कौन लाया? तुम? गुलाब सिंह, कृपाल, आज से तुम मेरा बाजू बंद कर रहा होते। मैं कमें सर? कमें सर। खान, मैंने पूरी रिपोर्ट गौर से पढ़ी, अगर गुलाब सिंह का बयान सच था तो जर्नल सिंह बचकर नहीं जा सकता। यस सर, अगर 11th आवर पर ऊंटों की कतार वहां से न गुजरती और अंधेरा न हो जाता तो हमसे बचकर भी नहीं जा सकता था। यह भी हो सकता है कि खबर देने के बाद गुलाब सिंह ने जान के डर की वजह से ऊंट खुद भिजवाए हों। नो सर। वाय? इसलिए कि इस वाकये के बाद गुलाब सिंह मार दिया गया। गुलाब सिंह मार दिया गया? जी हुजूर, और उसकी लाश आपके मायने के लिए रखी हुई है। काश गुलाब सिंह की रिपोर्ट कुछ देर पहले मिल जाती तो ना उस गांव का वफादार आदमी मारा जाता और ना जर्नल सिंह बचकर जाता। खान, जब वो ऊंटों की आड़ लेकर भाग रहा था तो तुमने दूसरे तरफ की प्लाटिंग को खबर क्यों नहीं की? हुजूर, कोई सूरत नहीं थी, सामने से गोलियों की बाढ़ पड़ रही थी। We couldn't possibly cross over, sir. और ये वक्त था कि हमारे पास वायरलेस होना चाहिए था। Yes, sir. Hello, operator. Put me to IG. अब देखता हूँ इन तैयारियों के बाद कैसे बचते हैं डाकू। दरोगा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ। मैंने गुलाब सिंह का खून नहीं किया, नहीं किया। गुलाब सिंह का खून तो ठाकुर जर्नैल सिंह ने किया है, नहीं मानते आप? दारा खान, क्या गोली लग गई? कहाँ लग गई? इतने बड़े जिस्म में कहीं भी लग गई होगी। लेकिन तकलीफ कहाँ है? तकलीफ? बहादुरों को तकलीफ नहीं हुआ करती। पागल हो दोनों सारा? अरे भाइयों, मैं गोली से नहीं, गोली की आवाज से गिर गया था। ठाकुर, ठाकुर सिंह जमींदार की बेटी की शादी है, लाख दो लाख की तैयारियां हैं। कब? आज रात को। आज रात को? ठाकुर जर्नैल सिंह नाम है मेरा। क्या बात है? चारों तरफ मेरे ही आदमी घेरा डाले हुए हैं। गोली की एक आवाज,
इस वक्त मेरी इज्जत का सवाल है। क्या चाहते हो? आने की कीमत 25,000, जाने की कीमत 25,000 और कुछ हीरे मोती। आओ मेरे साथ। ये हीरे मेरी बाप दादा की यादगार है। बाप का नाम? रंजीत सिंह। दादा का नाम? जालिम सिंह। जालिम सिंह अपने जमाने का मशहूर डाकू। आज उनकी तड़पती हुई आत्मा को शांति मिली होगी कि उनके लूटे हुए हीरे असली हाथों में पहुंच गए। जनरल सिंह, मेरी एक ही बेटी है जो दुल्हन बनी है, मेरी इज्जत का ख्याल रखना। वो तो मेरी दाई मुट्ठी में बंद है और अगर पुलिस को पता चला तो तुम्हारी जान मेरी बाई मुट्ठी में बंद है। दोनों जहां से खोए गए हम, दोनों जहां से
तुम्हारा नाम? चंबेली जैन। धर्म? नाचना और गाना। हमने तुम्हारा धर्म खरीद लिया, आज से तुम सिर्फ हमारे लिए नाचोगी और गाओगी। नाचो गाओ। समझा? दाम नहीं दिए हमने। इन नोटों के साथ तुम्हें भी चलना होगा। बाहर ठाकुर अभी जिंदा है। चंबेली जान का खाना पानी बंद। देखता हूं कैसे नहीं नाचती। बेचारी चमड़ी जान भूखी होगी। क्यों मैं कहाँ जा रहा है? ठाकुर जरनैल सिंह। अबे खदे अंधा हो गया? ठाकुर जरनैल सिंह नहीं, ठाकुर कृपाल सिंह है मेरा नाम। बात यह है ठाकुर कृपाल सिंह, मैं गधे की बात का बुरा नहीं माना करता। अबे क्या कहा? अरे हाँ कृपाल, अच्छा याद आया, वो चमेली जान है ना, कई बार पूछ चुकी है तुझे। चमेली जान? हाँ। क्या पूछ रही थी? पूछती थी वो छोटी छोटी मूंछों वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, सजीले जिस्म वाला डाकू आजकल दिखाई नहीं देता। ले यार सिगरेट पी, जरा से सुनगा भी देना। फिर चमेली जान को जवाब क्या दूं? कह देना कभी ना कभी मौका देख के जरनैल सिंह से आंख बचा के जरूर आऊंगा। अच्छा कृपाल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज दारा। छोटी छोटी मूंछों वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, सजीले जिस्म वाला। सूंघने की कोशिश कर रहा था कि तुम जिंदा हो या मर गई। मरे मेरे दुश्मन, मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं, और दो सर कुमार के ही मरूंगी। ठीक कहती हो, जरनैल सिंह से झगड़ा करके आज तक तो किसी को बचते नहीं देखा। अरे जा जा, मारने वाले से बचाने वाला अल्लाह ज्यादा ताकतवर है।
अल्लाह तो वक्त से मारता है, मगर जिसका नाम ठाकुर जर्नैल सिंह है ना, वो तो बेवक्त ही मार डालता है चमेली जान। वाह वाह वाह, ठाकुर की बंदूक और तुम्हारे हाथ का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। इस थप्पड़ का जिक्र किसी से करना नहीं, मैं यहाँ बड़ा बहादुर मशहूर हूँ, बहादुर। इस दिल में बहुत से शरीफों के राज महफूज हैं। एक चूहे का और सही। चूहा चूहा, मैं जमींदार हूँ, जमींदार। आइंदा चूहा कहा तो अच्छा नहीं होगा। जमींदार का बच्चा भाग यहाँ से। खाओ खाओ। ओ, चमेली जान, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छोटी छोटी मूछों वाला, सजीले जिस्म वाला, तूने तो अपनी खूबसूरत जबान से, सच कहता हूं, मेरी तस्वीर खींच दी है। एक ही कसर रह गई थी तेरी तस्वीर में, वो भी पूरी कर ही दो। क्या चमेली जान, चमेली जान, तुमने ठाकुर कृपाल सिंह का गुस्सा नहीं देखा? ठाकुर जर्नैल सिंह। क्या ठाकुर? छोटी छोटी मूछों वाला, अरे मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तारीफ के बच्चे, फिर मजाक किया तो तेरी नाक काट लूंगा। ठाकुर जनरल सिंह, इतना बड़ा वाक्य सिर्फ आपकी लापरवाही है जमींदार साहब। लाख दो लाख की शादी और आप पुलिस के तल्ला तक नहीं करते। ये भूल तो जरूर हुई है कप्तान साहब। आप इसे मामूली भूल समझते हैं? आपने इतना तो सोचा होता कि सरकार जो इतना रुपया पुलिस पर खर्च कर रही है, आखिर किस लिए? आप ही लोगों के हिफाजत के लिए। मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस गांव में हमारी धाक थी। धाक होगी आपके दादा परदादा की। आजकल जमाना बदल चुका है, आप ही लोग ऐसी गलतियां करेंगे तो किस तरह काम चलेगा? अल्लाह देखिए, अगर मेरी लड़की ना मिली तो आप जानिए मेरा काम किस तरह चलेगा दरोगा जी। चमेली जान तुम्हारी सगी लड़की है? जी हाँ, बिल्कुल सगी। 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, जब कमाई का मौका आया तो वो बुआ एक मिनट में उठा के ले गया। किस कौम की हो तुम? आए हुजूर, आप भी हमारी कौम पूछते हैं? आप तो जानते ही हैं कि हमारा रिश्ता तो हर कौम से है। मिसाल के तौर पर अफजा, मेरी तरफ भी तो देखिए बंदा परवर, इस बंदे को अल्लाह रखा कहते हैं और गुलाम को राम रखा। देखिए, रखा तो अपनी जगह पर ही रखा हुआ है हुजूर, कहीं पहले अल्लाह रख दिया, कहीं पहले राम रख दिया। बैठ जाओ। शुक्रिया नवाजिश। ओह माफ कीजिएगा, शौक फरमाइएगा हुजूर। नहीं, कोई तस्वीर है चमेली जान की? जी, इसीलिए तो तस्वीर नहीं खिंचाई कि कोई लदीदा देखकर आशिक ना हो जाए। कद कितना ऊंचा है? कद? आहा, दरोगा जी, सरों के दरख्त जितना ऊंचा कद है माशाल्लाह। सरों का दरख्त तो बहुत ऊंचा होता है। और आंखें? आंखें हिरन जैसी। हिरन की आंखें तो बहुत बड़ी होती हैं। तो फिर जरा छोटी समझ लीजिए। और रंग? कश्मीरी सेब जैसा। नॉनसेंस। अब आप गाएंगे? तुम एक तवायफ हो, तुम्हारा काम नाचना और गाना है, गाओ। हाँ, मैं तवायफ हूं, अपने को गिरा के इंसानों को खुश रखती हूँ, अपने को जलील करके उनकी खुशियों में चार चांद लगाती हूँ।
अपनी इज्जत सरे महफिल बेच के नाचती हूँ, गाती हूँ, बड़े लोगों का खानदानी विकार कायम रखती हूँ, दूसरों का गुना अपने सर लेती हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा गुना है। और तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों को जलील करती हो, अपनी खुशी में चार चांद लगाने के लिए औरतों को विधवा बनाते हो, उनकी माँ का सिंदूर उजाड़ते हो, अपना झूठा विकार कायम रखने के लिए हजारों बेगुनाहों के खून से होली खेलते हो। जब अल्लाह इंसाफ करने बैठेगा तो मेरे हाथ मेहंदी से रंगे होंगे और तुम्हारे खून से। मैं तो शायद माफ भी कर दी जाऊंगी, मगर रब्बुल इज्जत तुमको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मैं तुम ऐसे गुनाहगार के लिए कभी नहीं गाऊंगी, कभी नहीं नाचूंगी, हरगिज़ नहीं गाऊंगी। इसे खाना खिला था। बिस्मिल्लाह करो। मूली मैं खा लूं। शुक्रिया। जनरल भाई मुबारक हो, बड़ी खुशी की बात सुनाता हूं। चमेली जान को खाना खिलाया। इसमें खुशी की क्या बात है? खुशी इस बात की है कोई टकराने वाला तो मिला, कोई रास्ता दिखाने वाला तो मिला, कोई प्यार और मार से समझाने वाला तो मिला तुम्हें। हमारी तो सुनते नहीं तुम। तूने शराब तो नहीं पी? मैंने तो नहीं, मगर तुमने जरूर पी है ठाकुर, कुल्लड़ और बोतल से नहीं, चमेली जान की गुलाबी गुलाबी आंखों से। दारा बकवास नहीं किया करते। जर्नैल दोस्त से दिल की बात नहीं छिपाया करते। खाना खाओगे? ले आओ। नहीं खाऊंगा।
तुमसे ब्याह करने, अभी इसी वक्त, इंतजार नहीं कर सकता। मुझे इतबार नहीं आता। मैं जबान देता हूं, डाकू का कोई ईमान नहीं होता, पर आशिक का ईमान जरूर होता है चमेली जान। मैं इंतजार करूंगा। इज्जत तेरे कुर्बान, आज तेरी खुदाई में एक बंदा ऐसा निकला जो मुझे बीवी का रुतबा देना चाहता है, महफिल से उठाकर घर की रौनक बनाना चाहता है। Mom!
दुख पावा हृदय सराहत बचन नयावा। सीता जी की सुंदरता पर राम जी मुग्ध हो गए, मुख से कुछ बोल नहीं सके और मन ही मन सीता जी की बड़ाई करने लगे। पंडित जी ये तो बहुत अच्छी चीज सुनाई आपने, एक बार फिर पढ़िए। देखी क्या है? जिस गांव में हम आज डाका डालना चाहते थे वो गांव चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। फिर हमें अपना इरादा बदलना पड़ेगा। और मेरी जबान, मैंने जागीरदार को जबान दी है। यही रहोगे चमेली जान के पास। बंदूक की तरह घूम घूम कर देख रही हो? सूंघने की कोशिश कर रही थी कि तुम जिंदा हो या मर गए। मरे मेरे दुश्मन, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। चश्मे बद्दूर, कैसी तबीयत है हुजूर की? हुजूर होश में हो तो कहें कि जानते हुए कि पुलिस ने गांव को घेर लिया है फिर भी इज्जती जर्नैल सिंह का बच्चा वहां मरने गया है। खुदा ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो दारा खान को भी जिंदा ना पाओगी तुम। ठाकुर मत जाओ, ठाकुर मत जाओ। मर्द की जबान नहीं बदला करती। तुम कुछ आदमी लेकर यहीं ठहरो और गोली की पहली आवाज पर घुस पड़ना, मैं बाकी आदमी लेकर गांव जाता हूं। कृपाल, अगर मैं मारा जाऊं तो चमेली जान को हिफाजत से उसके घर पहुंचा देना। सुपरिंटेंडेंट साहब, फिलहाल तो कोई खतरा नजर नहीं आता। बेगमात बेकार घबरा रही हैं। जागीरदार साहब, मेरी तरफ से आप अर्ज कर दीजिएगा, घबराने कोई बात नहीं, हम हिफाजत कर रहे हैं, परिंदा पर नहीं मार सकता। मेरा ख्याल है आप ही आराम फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हजूर, आदाब बजा लाता हूं। ए! क्या नाम है तुम्हारा? जी राम स्वरूप, उस नौकर पर रहता हूँ। ठहरो, कमर हटाओ, जल्दी पहले जाओ यहाँ से, चलो चलो जल्दी करो।
मुआ जरनैल सिंह आएगा जरूर, अल्लाह करे कल का आता आज आ जाए। जब से नवाब चौथी को लाए हमसे बात तक नहीं करते। मुझे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरी गुजरी हुई जवानी की अनमोल घड़ियों, खतरे की कोई बात नहीं, पुलिस आ चुकी है। अब हम माफी चाहते हुए आपसे अर्ज करते हैं कि छोटी बेगम के साथ हम जरा तखलिया चाहते हैं। मेरी चौथी और आखिरी जान, आपके नाजुक और हसीन चेहरे की कसम, शायद अल्लाह को यही मंजूर था कि जरनैल सिंह जिंदगी की आखिरी बहारें आपके दरे दौलत पर गुजारे और मरकर आप ही के कदमों पर दम तोड़े। आपकी जाने अजीज की कसम, जब तक वो नफरत ज़दा जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार न किया जाएगा, मेरी जवानी और आपकी दौलत दोनों महफूज नहीं। रूह अफ़ज़ा, जब तक इन बूढ़ी हड्डियों में खून जोश मार रहा है, परिंदा पर नहीं मार सकता। मैं परिंदे का नहीं हुजूर, जरनैल सिंह का जिक्र कर रही हूँ। बेगम, मैं आपकी जुबान से गैर का नाम सुनना नहीं चाहता। पुलिस के हाथ आंखें बिछाए बड़ी बेचैनी से जरनैल सिंह का इंतजार कर रहे हैं और मेरी आगोश आंखें बिछाए बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रही है। दोनों से कह दीजिए कि इंतजार फरमाएं। इंतजार में बड़ा मजा है, जो मजा इंतजार में पाया वो कहां वसले यार में पाया। अब इंतजार की तकलीफ नहीं दूंगा। ओए अल्लाह, जबान दी थी हाजिर हो गया। ये मवेशी है, किसने इकट्ठे किए हैं? चलो हटाओ इन्हें यहां से, हटाओ। इंस्पेक्टर खान। यस सर। वक्त हो गया मगर जनरल सिंह अब तक नहीं आया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी सर। मैं समय से पहले ही हाजिर हो गया हूं। गोली ना चलाइएगा सुपरिटेंडेंट साहब, जुलम हो जाएगा, जागीरदार साहब मारे जाएंगे। यहां गांव वाले भी इकट्ठा हैं, इनके पीछे पुलिस और पुलिस के पीछे मेरे आदमी। बंदूक की एक आवाज पर सैकड़ों बंदूकें दग जाएंगी और मुफ्त मुफ्त में बेगुनाह मारे जाएंगे। खामोश क्यों हो गए? फैसले की आवाज तो दो। क्या फैसला चाहते हो? आज जाने दो, फिर कभी निपट लेना। इस समय बंदूक रख दो। नो सर, बंदूक ना रखिएगा, ही इज ए डेंजरस मैन। मैं जवान देता हूं, किसी का बाल बीका नहीं होगा। नो सर। Keep quiet. I know my duty. एक गुनेगार को मारने के लिए सैकड़ों बेगुनाह नहीं मारे जा सकते। बंदूकें रख दो। जनरल सिंह,
तुम मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकते। जर्नल सिंह, मैं इस इलाके में सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं और भगवान की सौगंध बिना तुम्हें पकड़े इस इलाके से हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा क्योंकि तुम आसानी से मर जाओगे, जिंदा गिरफ्तार करूंगा इसलिए कि फांसी पर लटकाए जाओ। तड़प तड़प कर मरो, एक एक गुनाह तुम्हारे सामने तस्वीर बन बन कर घूमे ताकि देखने वालों को इबरत हासिल हो। सुब्रन साहब, मैं तुम्हारी बहादुरी की कदर करता हूं, कारण ये कि कोई इतनी बात जर्नैल सिंह के आगे कभी ना कर सका। एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूं कि जागीरदार साहब के घर की कोई भी चीज तुम नहीं ले जा सकते। सिर्फ इस बात पर फैसला होगा। मंजूर है, पर धर्म की बात यह है कि एक चीज मैं नहीं लौटाऊंगा। क्या? ये प्यार का खेल है, तुम दखल नहीं दे सकते। और चमेली कहां है? दिखा तो रहा हूं, अब बिना समझ सको तो मेरा क्या कसूर? ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा एक है। आमीन। मैं भी उसी की सलामती की दुआ मांग रहा हूं। दारा, अगर तुम ना होते तो मैं अकेली क्या करती? किससे अपने दिल की बात कहती? जानते हो राज जनरल सिंह ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? कि वो मुझसे ओ, समझ गया, शादी करना चाहता है तुमसे बरखुरदार। ये तो बड़ा ऊंचा ख्याल है, सोच के रही हो। हाँ कह दो। लेकिन वो एक डाकू और मैं नाचने गाने वाली, जमाना क्या कहेगा दारा? हो सकता है जिसको जमाना ना बदल सका हो उसको तुम्हारी मोहब्बत बदल डाले। चमेली जान, क्या वो बदल जाएगा? दारा, अब मैं ठाकुर को किसी का खून नहीं करने दूंगी, लेकिन मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। जो बात समझ में ना आए उसे अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। जो बात समझ में ना आए उसे अल्लाह पे नहीं, कृपाल पे छोड़ देना चाहिए। चमेली जान, ठाकुर का मैं जो आ गया हूँ। कृपाल, तुमने शराब पी है, कोई बदतमीजी ना करना। ये तो बहुत नेक ख्याल है तारा का। जान उधर कहाँ, इधर आओ ना, इन नजरों की पुकार तो सुन लो। अरे ये तो लकड़ी का दरवाजा है चमेली जान, इस वक्त तो लोहे का दरवाजा भी नहीं रोक सकता। कब तक आंख में चोली खेलोगी? अब कहां जाओगी? बुलाना अपने ठाकुर को। जाओ जाओ जाओ, छोड़ Thank you.
सर तो अपनी नजरों का निशाना बनाना चाहती थी, वो तो कब का पुलिस की गोलियों का निशाना बन चुका होगा। अब तो नजरें इधर फेर ले। अरे ठाकुर वहां कहां, तेरा ठाकुर तो यहां है। ठाकुर हमेशा के लिए चला जा, कहीं मेरी आंखों में फिर खून न उतर आए। एक मौलवी और पंडित को पकड़ के ला। क्योंकि डाकू का कोई ईमान नहीं होता। मैं ये पूछ सकता हूँ कि मैं और ये मौलाना महाशय एक ही स्थान पर जा रहे हैं? अवश्य पंडित जी। और क्या ये विवाह दो व्यक्तियों का साथ साथ एक ही स्थान पर हो रहा है, एक हिंदू एक मुसलमान? अल्लाह बदलवार, आप इतना भी नहीं समझते, भला ये कैसे हो सकता है? मैं सब समझता हूँ महाशय, परंतु धर्म ये कहता है ये बातें स्पष्ट रूप से समझ ली जाए। मियाँ पंडित जी, आप जरा धर्म से कम काम लीजिए और अकल से ज्यादा। महाशय
ऊंची ऊंची सी जान लेकर हाथी से गन्ने खाने का प्रयत्न करते हो? पंडित जी महाशय मत भूलिए, कभी कभी चींटी भी हाथी की जान ले सकती है। आप लोग चींटी और हाथी पर जोर कम दीजिए और इन गन्नों पर ज्यादा। माशाल्लाह, राम राम राम। नजर कर दिया था आप। मौलाना साहब, फर्ज कीजिए ये शादी हिंदू मुसलमान की हो रही हो तो आप हजरात की क्या राय है? बरखोदार, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है मर्द हिंदू हो औरत मुसलमान, या औरत हिंदू हो मर्द मुसलमान। असंभव, ये विवाह नहीं हो सकता। मुझे अफसोस है पंडित जी, मगर इस मामले में मेरी आपकी राय मुत्तफिक है। किबला, शहंशाह अकबर के मुतालिक क्या राय है आपकी? वल्लाह ऐसा शहंशाह तारीख में पैदा नहीं हो सकता। और पंडित जी आपकी? महाबली अकबर की ऐसा एक राजा जन्म नहीं ले सकता। तो फिर बादशाह अकबर की शादी जोधाबाई से किस तरह हुई? वो तो भगवान की लीला है। शहंशाहों के मामले में हम क्या बोल सकते हैं? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली। तो फिर सुनिए, जिसकी शादी हो रही है वो राजा भोज का बाप है बाप, जिसका नाम है जर्नल सिंह। अरे होगा, अजी नाम से क्या होता है। क्या कहा? ठाकुर जर्नल सिंह डाकू। जी हाँ, अब क्या राय है शादी के मुतालिक आपकी? अरे भैया, ये तो बड़े पुण्य का काम है। क्यों मौलाना महाशय? मुझे बहुत अफसोस है पंडित जी, मुझे आपकी राय से दोबारा मुत्तफिक होना पड़ रहा है। सच फरमाया आपने, सच फरमाया। क्यों, क्या इरादा है? शादी बढ़ाएंगे आप लोग? वल्लाह ठाकुर जनरल सिंह साहब बहादुर, यही सवाब कमाने के लिए हम कोसों की मसाफत तय करके यहाँ पहुँचे। ये विवाह नहीं महाराज, तीर्थ यात्रा है। हम काशी हरिद्वार नहीं गए, यहाँ चले आए। बस बस पंडित जी, बहुत हो गया, अब आप शादी का काम शुरू कीजिए, नहीं तो आपकी स्वर्ग यात्रा ना हो जाए। और आप भी सुन लीजिए मौलाना मियां, अरे कहाँ गए आप? अरे यहाँ यहाँ, बिल्कुल यहाँ भैया, यहाँ। छेड़ो न बीच डगरिया में, मुकुपी हर में मत छेड़ो।
तो जग रही राजा वो तो जग रही भवज कुटिया में वो तो जग रही राजा जग रही रे वो तो जग रही वो तो जग रही जग रही जग रही रे राजा जग रही भवज कुटिया में मुखपी हर में मत छेड़ बनु धर ले धीर जिगरिया में मुखपी हर में मत छेड़ रहूंगी मैं राजा फिर रहूंगी मैं तुम्हारी अटरिया में फिर रहूंगी मैं राजा रहूंगी मैं फिर रहूंगी मैं फिर रहूंगी 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 राजा फिर रहूंगी मैं तुम्हारी अटरिया में मुख पीहर में मत पीहर में मत राजा पीहर में मत छे कप्तान महाशय मुझे गोली ने मारी है मैं डाकू नहीं हूँ सरकार मैं नाचीज तो खुदा का बंदा हूँ यहाँ निकाह पढ़ाने आया था ले जाओ इन्हें ओ खुदा मेरे गुनाहों को माफ फरमा कहाँ पड़ गए माफ कीजिए देवियों आपको तकलीफ तो होगी लेकिन जरा नीचे उतर आइए अरे डरती क्या है आप हमारे ठाकुर आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे चलिए चलिए नीचे उतरिए मुबारक हो ठाकुर एक नहीं पूरी दर्जन है दर्जन मेरी जान ये घूंघट हटाने का क्या लोगी देखिए ठाकुर जी मुझे ऐसी दिल लगी अच्छी नहीं लगती मुझे शर्म आती है हाँ। अरे इसी शर्म पर तो हम मर मिटे हैं आज से तुम हमारी बन के रहोगी
अबे जी ठाकुर जी सब को हटा दो जी बहुत अच्छा और सुनो जी जी इस हसीना को हमारे महल में लेके आओ अरे पापा मैं मर गई अरे चलो चलो मैं बहुत अच्छी हूँ तुम्हारा नाम दारा जान दारा बहुत खूब दारा मर्द का नाम भी होता है और औरत का भी धर्म नाचना और गाना हमने तुम्हारा धर्म खरीद लिया सिर्फ तुम हमारे लिए नाचोगी और गाओगी नाचो गाओ समझा हमने दाम नहीं दिया समझा बेटा दाम नहीं दिया ये लो नाचो मोहनायो घूर घूर कर देखो हाँ मोहे नायू घूर घूर कर देखो नजर लग जाएगी हराम नजर लग जाएगी सुनो जी मोरे साथ लग है बड़ी जुल्मी खबर इस गाने पर हमें कोई यार आ जाता है लेकिन तुम भी उससे कम नहीं हो दारा जान हमारे पास आओ 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 देखो जी मुझे ना छुओ मैं शीशे की हूँ टूट जाऊंगी हम हमें दिल से लगा के रखे पहले हमें अपना दिल दिखाओ दिल दिखाओ अभी बचपना है जिद्दे भी निराली है पहले तुम हमें अपनी शक्ल देखो मैं बहुत काली हूँ मुझे ना देखो जान सी सूरत चुबा रही करते दारा तू दारा मर्द का नाम भी होता है दारा औरत का नाम भी होता है अरे पंडित ये तो मर्द निकला अबे क्या मर गया तुम तो कौन सी शराब ठाकुर कौन सी बंदूक देख बात बात बंद कर कर दिया इसे चंबल के दरिया के किनारे पे ले चलो अरे माँ चलो चलो यार कृपाल कमाल कर दिया तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा दल खड़ा कर लिया तुमने लेकिन प्यारे ये दो गुलदस्ते कहाँ से मार लाए बकवास मत कर प्यारे ये मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी दोस्ती का तो ख्याल कर इसीलिए तो तेरी जान ले रहा हूँ तेरे बाद तेरे ठाकुर की बारी है और फिर चमेली जान मेरी हो जाए ठाकुर कृपाल सिंह सरकार भी फांसी के तख्ते पर चढ़ाने से पहले मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछती है फिर तू तो सरकार से कितना ज्यादा बड़ा है बोल क्या चाहता है मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है एक छोटी सी बीड़ी पिला दे बीड़ी नहीं ये ले सिगरेट जरा इसे सुलगा भी दे अबे तुम क्या कर रहे हो खुदा हाफिज कृपाल ठाकुर तुम मत कूदना तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता है तुम डूब गए तो हमारा क्या होगा ठाकुर अगर तुम दोनों मेरे साथ रहे तो मेरा क्या होगा आज शगुन अच्छा हुआ ये तो बोनी हुई है अभी तो बहुत दिन काटना है एक साथ अगर कुछ हो जाता तो होता कैसे तू जो थी
दो दो मौतें एक साथ किस तरह आती? देख रहे हो? इसको क्या हक था? किसको? चांदी के इस टुकड़े को जो बर्फी के बहाने गंगा और जमुना के संगम में चिमट के बैठ गया है। ठाकुर, एक बात तो बता। पूछ। क्या तो सचमुच इतना ही प्यारा है जितना आज मुझे नजर आ रहा है? आज तो कुछ ज्यादा ही प्यारा दिखाई पड़ रहा हूँगा। क्यों? इसलिए कि आज तूने बर्फी खाई है। बर्फी? क्या मिला था बर्फी में? सच सच बता। जहर। जहर भी खिला देगा तो कौन सा तीर मारेगा? मर तो चुकी हूँ तुझ पर, बड़ा तीर मारा हमें भूल बैठे, हमें बिना अब याद हो तो जाने। लगता है भंग ज्यादा ही चढ़ गई है तुझ पर। देख ठाकुर, तू यूं ही हंस हंस कर बिजलियां गिराता रहे और मैं यूं ही तड़पती रहूं, लेकिन तेरे पैया पड़ू नदी नारे न जाना, और जाना तो उस पारे न जाओ शाम पैया पर।
संग सवतिया न लाओ शाम पैया करूं, संग सवतिया न लाओ शाम पैया करूं, पैया करूं तोरे पैया करूं, पैया करूं तोरे पैया करूं, संग सवतिया न लाओ शाम पैया करूं। सवतिया जो लाओ तो लेबे करो, लेबे करो, लेबे करो, वो हमका ना मिलाओ शाम पैया परू, हमका ना मिलाओ शाम पैया परू, हमका ना मिलाओ शाम पैया परू, तोरे पैया परू, नदी नारे न जाओ शाम पैया परू, नदी नारे न जाओ शाम पैया परू, नदी नारे न जाओ शाम। अभी तो बहुत से जन्म साथ साथ काटना है चमेली जान, ये पहले ही जन्म में कहां भाग रही है। मजा आ गया। कैसा है तू? अच्छा हूँ, शुक्र है तू मिल गया। दारा, ये क्या सूरत बना रखी है तुमने? क्यों, कैसी लगती हूँ? खूबसूरत लगती हूँ। मेरा मतलब है खूबसूरत लगता हूँ। लेकिन दारा, तूने एक बहुत जुल्म किया, तुमने गोली क्यों चलाई? पुलिस को पता चल गया तो? पुलिस के साथ साथ हमारा एक और भी दुश्मन पैदा हो गया है, जिसका नाम है ठाकुर कृपाल सिंह। Thank you.
आप एडवांस कीजिए। ओवर। पुलिस कब हमारा पीछा छोड़ेगी? जब तुम्हारा ठाकुर नहीं होगा चमेली जान। ना, फिर कभी ऐसी बात न कहना। बहुत जिंदगी देख ली, एक तेरी कमी थी वो भी पूरी हो गई। अब पुलिस की गोली लग भी जाए तो कोई गम नहीं। बस मुलाकात ही करनी थी हमसे, तुम्हारे बगैर तुम्हारी चमेली का क्या होगा? और जो आने वाली जान है उसका कहाँ पलेगा, कैसे बड़ा होगा, क्या बनेगा, ये भी कभी सोचा है तुमने? तुम क्या जानो चमेली जान, मैं क्या क्या सोचता हूं। मेरा बस चले तो तुम्हें अपने सीने में छुपाकर दूर, बहुत दूर चला जाऊं, जहां कोई ना हो, और हम हजारों साल जिंदा रहे, मगर ये पुलिस। ठाकुर, क्या हुआ चमेली जान? मुझे कहीं ले चलो, जल्दी, किसी घर में। समझ गया। ठाकुर की बीवी को बच्चा होने वाला है। कहाँ है वो? जी आए। आओ ठाकुर, आओ, बहू को अंदर लाओ। आदर से भाईजान, ये कौन साहिबा है? ये तुम्हारी भाभी। ये कोई बच्चा तो नहीं, आपने इन्हें गोद में क्यों उठाया है? इसको, मेरा मतलब है, इसको क्या तकलीफ है इन्हें? खुदा ना करे कहीं गोली वोली तो नहीं लगी? हाय अल्लाह, अजीब बेतुकी लड़की है, न वक्त देखे न बेवक्त। जाओ ठाकुर, बहू को अंदर ले जाओ। हैं, तू कहाँ चली? उधर जाके बैठ। अरे पगली, तू समझती नहीं, भाभी की हाँ मुन्ना आने वाला है। मुन्ना? हाँ मुन्ना। नन्ना मुन्ना आएगा, दूध मलाई खाएगा। नन्ना मुन्ना आएगा, दूध मलाई खाएगा। नन्ना दारा, अब तू भी शादी कर डाल। अम्मा तुम फिक्र क्यों करती हो, जरा फरीदा के हाथ पीले हो जाने दो, फिर तो मेरी ही बारी है। क्यों? अल्लाह करे वो दिन जल्दी आए। लो ठाकुर। अम्मा अब हमारा यहाँ और ठहरना ठीक नहीं, खुदा हाफिज। और ठाकुर, अम्मा हम चले। अल्लाह के सुपुर्द किया। अम्मा ठाकुर की जान तुम्हें सौंपे जाता हूँ,
तो फिक्र मत कर बेटा, जैसे ठाकुर मेरी जान का ख्याल रखता है वैसे ही मैं ठाकुर की जान का ख्याल रखूंगी। अम्मी अम्मी जल्दी आओ। क्या हमारी खुशबू सुन लेते हैं जो यहां भी आप पहुंचे? गोली मत चला, उनको आगे बढ़ने दो। ठाकुर जनरल सिंह, गोली का जवाब तो दो। चंबेली जान ने चूड़ियां पहना दी क्या? कृपाल कृपाल, नमक हराम निकला ना आखिर, ठाकुर पर गोली चलाता है, जा सामने चंबल का दरिया है, जाके डूब मर। डूबी तो तू थी उस दिन दारा जान। दारा औरत का नाम भी होता है और दारा मर्द का भी बेटा कृपाल। दारा अगर ज्यादा जबान चलाए तो ठाकुर के साथ तुझे भी भून डालूंगा। अभी तो बड़े बड़े फैसले करने हैं ठाकुर से। क्यों ठाकुर? कुछ अपने लिए, कुछ चंबेली जान के लिए। अब मजा आया, गोली तो चली। चाहे तो भागना नहीं। ठाकुर दारा, ठाकुर दारा, ठाकुर ठाकुर, मुझे अम्मा के पास ले चल, शायद छोटा ठाकुर भी आ गया हो, एक नजर उसको भी देख लो। दारा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मुबारक हो ठाकुर, मुबारक हो, छोटा ठाकुर आए।
नहीं 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 आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। दुआ दे के परेशान सी
कितनी बार कह चुका हूँ जाते समय मत टोका कर। तुम सोचते क्यों नहीं कि बच्चा बड़ा हो चुका है, सबको समझने लगा है। काश ये हमेशा बच्चा ही रहता। लोग बच्चों को जवानी की दुआ देते हैं और तुम बाप हो। हाँ हाँ, कोस रहा हूँ अपने बच्चे को, यही कहना चाहती है ना तू? दारा का गम शायद भूल चुके हो ठाकुर। वादा करो तुम किसी की जान नहीं लोगे। तुमने शराब पी है ठाकुर, मैं तुम्हें इस समय नहीं जाने दूंगी। मेरा दिल डर रहा है, हरगिज नहीं जाने दूंगी। मुझे होश में लाने की कोशिश मत कर चमेली जान। अगर मैं बदल भी जाऊं तो क्या ये दुनिया वाले मुझे माफ कर देंगे? मेरे बच्चे पर तरस खाएंगे? तुझको एक शरीफ इंसान की बीवी समझेंगे? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। और मैं बदल नहीं सकता, हरगिज नहीं बदल सकता ठाकुर। हवाओं के रुख बदलने वाले, क्या तू ठाकुर की जिंदगी नहीं बदल सकता? क्या है? आंख बंद करो तो बताऊं। क्यों? आंख बंद करो ना। आंख बंद कर ली? हाँ हाँ कर ली। देखो खोलना मत। ये तो बहुत सुंदर है, तुम्हें पसंद है ना? तुम कौन हो?
मुझे पैसा चाहिए, पैसा ला। मेरा पैसा मेरे खून और पसीने की कमाई है, मेरे बच्चों के लिए है, एक चाकू के लिए नहीं। ठाकुर से इनकार करने की सजा मौत है। मैं मौत से नहीं डरता। अब क्या जवाब है? मैं मौत से नहीं डरता। मौत से नहीं डरता। ठाकुर जी, मेरे बाबू को न मारो, मेरे बाबू को न मारो, मेरे बाबू मर गया तो मैं किसको बाबू कहूंगा? तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे स्वामी को दूसरा जन्म दे दिया। हम तीसरा जन्म भी दे देंगे। तजोरी की कुंजिया। ठाकुर कृपाल सिंह की जय। कृपाल फूल सिंह, ठाकुर जनरल सिंह की। ठाकुर कृपाल सिंह जान लेता है, देता नहीं, समझा? ठाकुर जनरल सिंह आ गया, ठाकुर जनरल सिंह आ गया। कुछ लेकर थोड़ी जा रहा हूं, मेरी इज्जत लेकर जा रहा हूं। अब
फूल सिंह। खून, लेकिन यह खून गंगा से ज्यादा पवित्र है। आज इस खून में मैंने भगवान का नजारा कर लिया। मनुष्य को जो खुशी किसी को बचाकर मिलती है, वो किसी को मारकर नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। चमेली ठाकुर, क्या आज तो नहीं किसी की जान बचाई है? हाँ चमेली, एक मरते हुए आदमी के शरीर से गोली निकालकर मुझे ऐसा मालूम पड़ा जैसे भगवान मनुष्य को दूसरा जन्म दे रहे हो। ठाकुर, आज मैं सर ऊंचा करके कह सकती हूँ कि मैं डाकू की नहीं, एक शरीफ इंसान की बीवी हूँ, एक शरीफ इंसान की बीवी हूँ। ठाकुर जनरल सिंह, अपनी जगह से हिले तो गोली मार दूंगा। अच्छा है, डर गए? तो आज मैं तुम्हारा सफेद घोड़ा ले जाऊंगा। फूल सिंह, ले ठाकुर कुछ खा ले। इतना परेशान क्यों है ठाकुर? चमेली, अगर तेरा ठाकुर मर गया तो। ऐसा मत कह ठाकुर, खुदा ना करे अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी चमेली अपनी जान दे देगी। फिर हमारी जान का क्या होगा? शेरा को कौन जिंदा रखेगा? अल्लाह मालिक है ठाकुर, तू फिक्र क्यों करता है? नहीं चमेली, तुम इस नन्ही सी जान को लेकर कहीं निकल जाओ, किसी गांव में चली जाओ। चमेली नहीं, औरत अपना सुहाग छोड़ के नहीं जाती। तेरा सुहाग आज नहीं तो कल उजड़ेगा जरूर चमेली। ठाकुर, मैं तुमको तुम्हारे सुहाग का वास्ता दिलाता हूँ। तुम शेरा को यहां से ले जाओ, उसे पढ़ाओ लिखाओ,
एक अच्छा आदमी बनाओ। लेकिन मैं लोगों से कहूंगी क्या? दुनिया वालों की जबान क्यों कर बंद करूंगी? एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाएगा कि तुम उसके बाप हो। चमेली, मेरी खातिर, इस मासूम की खातिर, कह देना किसका बाप मर चुका है। नहीं नहीं ठाकुर, नहीं, 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 मेरा क्या भरोसा? आज नहीं तो कल मुझको मेरे गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए चमेली, मिलनी ही चाहिए। नहीं जानती होगी लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं। तुम्हारा शेरा और मेरा मोहन दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं। मैं चंपा हूं, तुम्हारी पड़ोसन। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। किस गांव से आए हो तुम लोग? जी वो नगरा गांव है ना, वहां से। बच्चों का स्कूल नहीं है ना? हाँ बहन, मजबूरी भी क्या चीज होती है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना कुछ इसी नाजुक उम्र में मैं भी तुम्हारी इतनी थी जब मोहन के पाप। औरत के लिए बिना बाप के बच्चे को पालना कितना कठिन होता है मैं खूब समझती हूँ, खूब समझती हूँ। क्या हुआ था तुम्हारे पति को? किस्मत को तो बहाना चाहिए, जब भी बिगड़ने पर आ जाती तो कुछ भी हो जाता। रो मत। देख तुझे मेरी कसम, अभी तो जीवन के बहुत से रूप देखना है। मेरी तरफ देख, दिल मजबूत रख। आज से मुझे अपनी बहन समझना। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो शर्म न खाना, कह जरूर देना। मैं जान देकर भी उसे पूरा करूंगी, वचन देती हूं, वचन देती हूं बहन। चंपा बहन। बच्चों, उस दिन मैंने तुम्हें रामू की कहानी सुनाई थी, आज मैं तुम्हें अपने गांव के इस वीर की कहानी सुनाता हूं। ये था मोहन का बापू। जो खुद तो चला गया लेकिन हमारे गांव में एकता की रूप भूल गया। एक दिन हमारे गांव में डाकू आए, उन्होंने मोहन के बापू से कहा गोलियां लाओ। जानते हो उस वीर ने क्या जवाब दिया? तुम इन गोलियों से निर्दोष आदमी और बच्चों की जान दोगे। मैं ये नीच काम हरगिज नहीं करूंगा, अपने गांव से गद्दारी नहीं करूंगा। डाकुओं ने उसे गोली मार दी और वो वीर मरते समय यही कहता रहा कि ये सर देश के दुश्मन के आगे कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं झुकेगा। मोहन, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं अपने बापू से कहूंगा, वो मोहन के बापू का बदला जरूर लेगा। मेरे बापू के पास बंदूक है, सफेद घोड़ा है। क्या नाम है तुम्हारे बापू का? ठाकुर जनरल सिंह।
मम्मा खाना नहीं खाऊंगा, मुझे पहले बापू के पास ले चलो। हाँ बेटा, बापू के पास जाएंगे, पहले खाना खा लो। नहीं मम्मा, मुझे बापू से बंदूक लेना। काहे के लिए? मोहन के बापू से बदला लेने के लिए। मैंने मर्टल जी से कह दिया, मेरे बापू के पास तो फिर घोड़ा है और बंदूक है। आज रात को तू आने वाला है, अगर पुलिस को पता चल गया तो। नाराज होके कहाँ जाऊंगी मैं? उसका बाप सुल्तान सिंह मर चुका है, लेकिन बच्चा कहता है कि उसका बाप जिंदा है, जिसका नाम जरनैल सिंह। पापी से अपने सुहाग की भीख मांगती हो, मर जाने दो मुझे। रघु कुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए
पर वचन न जाए। चंपावन, चंपावन दरवाजा खोलो। आज हम तुम्हारे कोप का बदला लेंगे। चंद्र सिंह के बच्चे खून से आज तुम्हारी मांग भरेंगे। और भगवान ने ठाकुर की आवाज सुनी, बदले का समय हो गया। ठाकुर, लाज नहीं आती? ठाकुर होकर कमजोर अबला और उसके मासूम बच्चे से बदला लेने आए हो? अगर हिम्मत हो तो जल्लन सिंह से बदला लो जाके। चंपा भाभी, ये याद रखो, हमने इस पवित्र धरती की सबंध खाई थी। हाँ, जालिमों से बदला लेने के लिए, मासूमों की जान लेने के लिए नहीं। तुम जरनैल सिंह के बिगड़ बच्चे को बना दे रही हो। वो जर्नैल सिंह जिसने तुमको जवानी में विधवा बनाया, तुम्हारी मांग का सिंदूर मिटाया। उसने डाकू होकर मर्द पर हाथ उठाया, लेकिन आज तुम ठाकुर होकर औरत पर हाथ उठा रहे हो। मत भूलो कि जर्नैल सिंह डाकू है। उसने न जाने कितने मासूमों का खून बहाया है, कितने बेगुनाहों के टुकड़े टुकड़े किए हैं। हम उसके जुर्म का बदला उसके बीवी और बच्चे से जरूर लेंगे। खामोश, खामोश। याद रखो, इसी गलत बदले ने दिलों के टुकड़े टुकड़े किए हैं, जन्म भूमि के टुकड़े टुकड़े किए हैं, धरती माता के टुकड़े टुकड़े किए हैं। चंपा भाभी हट जाओ। बदले के लिए तुम्हें मेरी लाश में से गुजरना होगा। मैं जबान दे चुकी हूँ, कहती हूँ जबान दे चुकी हूँ, वचन दे चुकी हूँ, मगर यह वचन तुम्हारे पति के खून से नहीं टकरा सकता। एक विधवा ठकुराइन की जबान से निकला हुआ वचन पति के खून से तो क्या, गीता रामायण से टकरा सकता है, जमीन से टकरा सकता है, आसमान से टकरा सकता है। तुम लोग रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, मैं कहती हूँ आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो गोली चला दी जाएगी। खरोश, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कानून की नजर में जो सजा जर्नैल सिंह की है तुम्हारी भी होगी। हवलदार, जर्नैल सिंह की बीवी और उसके बच्चे को हिरासत में ले लिया जाए। तुम औरत नहीं, देवी हो तुम। देवी हो तुम। चमेली जान को अपनी मां के साथ वापस जाना ही पड़ेगा। चमेली जान हमारे गांव में आके दे दे। आप लोगों का मजमा खिलाफ कानून करार दिया जाएगा। अगर दोबारा इस कसम का मजारा हुआ तो मैं कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाऊंगा। आप लोग सब खामोश रहे। चमेली जान की मां, तुम इस वक्त पुलिस स्टेशन में हो। जो बात करोगी सोच समझ के करोगी, और जो कुछ पूछा जाएगा सिर्फ उस बात का जवाब दोगी। अल्लाह सुबडल साहब, खुदा आपको लाड साहब बना दे, लेकिन जरा ये तो सोचिए कि 5 साल बाद अल्लाह रखे मेरी चांद ऐसी बेटी मिली है, मैं उसे किस तरह पुलिस स्टेशन में छोड़ दूं? ये क्या जुल्म है, क्या सितम है, क्या अंधेर है। चमेली जान की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, वो हमारी निगरानी में रहेगी, तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। हाय अल्लाह, ये किस कसूर पर? इसलिए कि वो जर्नल सिंह डाकू की बीवी है। हुजूर, जब गवर्नर की बीवी गवर्नर नहीं हो सकती, कमिश्नर की बीवी कमिश्नर नहीं हो सकती, तो फिर डाकू की बीवी। खामोश रहो। पर कब तक खामोश रहूं हुजूर? वो मुआ शादी के मंडप से उठा ले गया, खामोश रही। जबरदस्ती उसने शादी कर ली, खामोश रही। जबरदस्ती मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी, खामोश रही। ये तो जुल्म है हुजूर। मगर चमेली जान ने यह बयान दिया है कि शादी उसकी मर्जी से हुई, उस पर कोई जुल्म नहीं किया गया। अजी सरकार, जुल्म उस पर नहीं, जुल्म तो मुझ पर किया गया है।
और मैं ये साबित कर सकती हूँ कि ये शादी नाजायज तरीके से हुई है, इसलिए मैं अकेली नहीं आई, अपने साथ राम और रहीम को भी लाई हूँ। अरे अभी कहाँ हो तुम लोग, इधर आओ, कहाँ हो, आओ आओ। आदाब बजाला था। जय श्री कृष्ण। तुम्हारा नाम? पंडित राम होता। और इस बंदे खुदा को शेख रहीम कहते हैं। क्या ये शादी तुम दोनों ने पढ़ाई थी? जी। और ये भी मानते हो कि ये शादी गलत पढ़ाई थी? जी जी। तुम दोनों ने कानून ही की नहीं मजहब की तौहीन की है। इंस्पेक्टर खान बंद कर दो इन दोनों को। जी महाशय, धर्म कहता है कि जान के डर से। जी दुरुस्त फरमाया आपने पंडित जी, जान के डर से ऐसी हजार गलत शादियां पढ़ा दो, मजहब की दूर से वो जायज नहीं है। मैं पूछती हूँ कि उस वक्त तुम्हारा मजहब और धर्म कहाँ चला गया था, जब मैं चांदी के चंद टुकड़ों के लिए अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी आन बेचने पर मजबूर की जाती थी, और हर कौम के शरीफ लोग आकर मेरी तिजारत को चार चांद लगाया करते थे। चमेली जान, मेरी बेटी चमेली जान मर चुकी, तुम्हारी बेटी मर चुकी, अब वो नाचने वाली नहीं रही, अब वो किसी की बीवी बन चुकी है, किसी के बच्चे की माँ बन चुकी है। लेकिन भगवान की सौगंध, इस बच्चे को हिंदू हिंदू नहीं मानेंगे, कसम खुदा की मुसलमान मुसलमान नहीं मानेंगे। मगर इस बच्चे को हमारे देश वाले हिंदुस्तानी बच्चे जरूर मानेंगे, और इस बच्चे पर सिर्फ मुझ माँ को नहीं, देश के हर माँ को नाज होगा। धरती माता की सौगंध, आकाश बदल सकता है, सूरज टुकड़े टुकड़े हो सकता है, मगर ठाकुर की इज्जत एक बार शादी के पवित्र नाते में बंद कर शहर की गंदी गलियों और बाजारों में वापस नहीं जा सकती। जो हाथ ठाकुर की इज्जत उठेगा वो हाथ कर दिया जाएगा। तुम्हारी इज्जत के लिए हम अपना खून बहा देंगे, तेरे गांव में आग लगा देंगे, ईंट से ईंट मचा देंगे, एक एक घर से खून के तारे बहेंगे। अब ये हाथ किसी का खून नहीं कर सकते, किसी औरत को विधवा नहीं बना सकते, मासूमों को यतीम नहीं कर सकते। इन हाथों में मैंने भगवान का नजारा कर लिया है। ये हाथ मनुष्य को मारने के लिए नहीं, मनुष्य को बचाने के लिए बनाए गए हैं। पुलिस को जाके खबर कर दो कि ठाकुर जरनैल सिंह अपनी बीवी और बच्चे की हिफाजत की खातिर अपने आप को कानून के हवाले करने को तैयार है। तुम जबान देते हो ठाकुर? ये मर्द की जबान है, ठाकुर की जबान है, जो कट सकती है, टुकड़े टुकड़े हो सकती है, मगर बदल नहीं सकती। जनरल सिंह अपने आप को कानून के हवाले करने आ रहा है, और मैं ये चाहूंगा कि वो जिंदा यहां तक पहुंच जाए, इसलिए आप जवानों को हिदायत करें कि कोई गोली नहीं चलाएगा जब तक कि डाकुओं की तरफ से गोलियां न चलें। आज मैं अपनी देवी को तुम्हारी शरण में छोड़ के जा रहा हूं। धर्म की लाज रखना। Thank you.
मेरा बाबू मर गया, वही मेरे बाबू का। चमेली जान, मैं कोशिश करूंगा कि जनरल सिंह की जब्त की हुई जमीन और मकान तुम्हें मिल जाए, ताकि तुम अपने बच्चे की अच्छी तरह परवरिश कर सको। माँ, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं बेटा, आज मुझे वो दिन याद आ गया है जब इस डाकू ने तेरे बाबू की जान ली थी। माँ, तू फिक्र क्यों करती है? मैं जो हूँ तेरा बेटा मोहन। सुब्रत साहब, याद है तुमने कहा था कि तुम मुझे जिंदा गिरफ्तार करोगे? आज तुम जीत गए और ठाकुर जरनैल सिंह हार गया। आपको शर्म आनी चाहिए। उस वक्त आपकी बंदूक कहाँ चली गई थी जब जनरल सिंह ने आपके घर पर ढाका डाला था? जमींदार साहब, आप एक बहुत संगीन जुर्म करने वाले थे। आपकी एक गोली की आवाज से हजारों गोलियां चल जाती और मेरा सारा ऑपरेशन तबाह हो जाता। वतन आजाद है।
कोई गुलशन न उठे अब वतन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े अब वतन आजाद है, तो गंगा की हिमाला का बदन आजाद है, तो गंगा की हिमाला का बदन आजाद है।